हे नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ही चैनल इन्वेस्ट फॉर वेल्थ पे। दोस्तों बात करेंगे कल मार्केट कैसा रहेगा, कौन से स्टॉक्स में आप ट्रेड कर सकते हैं, वीडियो में आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। गाइस कल मैं लाइव नहीं आऊँगा आप लोगों के लिए, कि ये मैं जस्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि कल मैं लाइव नहीं आऊँगा, मैं अभी अवेलेबल नहीं हूँ अपने सिटी में। तो विकास आपका लाइव कंटिन्यू करेगा 1 PM और MESP बैच जो है वो पोस्टपोन रहेंगे, इस तरह से रह रहे हैं। लाइव स्ट्रीम में आप लोगों को हेल्प मिलता रहेगा, बाकी ट्यूजडे से मैं बिल्कुल अवेलेबल रहूँगा, तब आपका 1 PM और MESP बैच कंटिन्यू हो जाएगा। अभी हम देखेंगे मार्केट ने अच्छा खासा मूव दिखाया है। लास्ट हमने डिस्कस किया था वन डे के टाइम फ्रेम पे कि मार्केट में लगातार रिजेक्शन आ रहे, तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर निकलना चाहिए, और ये लास्ट जो इसका शोल्डर था, शोल्डर के ऊपर मार्केट निकल गया है। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे मार्केट में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दे दिया है मार्केट। अभी भी मार्केट में पावर है ऊपर निकलने का, 45,050 का रेंज था, हमने डिस्कस किया था 45,050 के ऊपर निकल रहा है, एक बाइंग साइड के सिनेरियो रखेंगे। तो अभी भी नो डाउट ये अगर 45,800 और 45,900 तक भी आपको लेकर चला जाए, राइट। तो अभी हम किस तरीके से कल प्लान करेंगे हम देखने की कोशिश करते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये हमारे पास एक हर्डल है। अब मार्केट देखिए लास्ट वाले टाइम तक यहीं पे टाइम स्पेंड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हम अच्छा खासा बाइंग कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक बार मैं आपको समझाया हूँ कि जब भी एक बेरिश कैंडल या जब एक बड़ा बुलिश कैंडल आता है उसका 50% अगर ओवरलैप कर देता है मार्केट, मान लीजिए एक बेरिश कैंडल आया उसका 50% ऊपर अगर मार्केट क्लोज कर दिया है या कैंडल 50% ऊपर क्लोज कर दिया, तो वो कैंडल्स का उतना महत्व रह नहीं जाता है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे एक बेरिश कैंडल आया है, मैं इसका 50% जस्ट मार्क करूंगा यहाँ तक का। अगर मार्केट 45,430 के ऊपर निकल गया, 420-430 के ऊपर निकल गया, तो फिर इस कैंडल का उतना वैल्यू रह नहीं जाएगा, फिर मार्केट स्लो एंड स्टडी ऊपर निकल जाएगा। तो हमारा बाइंग का सिनेरियो रहने वाला है इस लेवल के ऊपर, जो कि अप्रॉक्स ये बन रहा है यहाँ पे 45,420, इसके ऊपर हम बाय करेंगे। हम सेल कहाँ करेंगे, सेल थोड़ा सा ना यहाँ पे अग्रेसिवली नहीं किया जाएगा क्योंकि बाय ऑन डिप का सिनेरियो रह सकता है। सेल कहाँ पे आ सकता है, ये लास्ट स्विंग मार्केट ने बनाया है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो कि 44,980 का लेवल है। तो मतलब जब तक 45,000 के ऊपर मार्केट टिका है बाय ऑन डिप का ही सिनेरियो रहेगा, सेलिंग अभी थोड़ी सी कम चांसेस है आने के, ये हमारा कल का सिनेरियो रहेगा। कल हमारे लिए एक्सपायरी भी है मिड कैप का, थोड़ा सा उसको भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं। निफ्टी ने भी काफ़ी प्यारा सा मूव किया है और अच्छा खासा ऊपर की तरफ निकल रहा है। वन डे के टाइम फ्रेम पे निफ्टी को भी अगर एक बार हम लेकर चले तो आप देखोगे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया है और मार्केट ने इस रेजिस्टेंस एरिया को छुआ है, तो एक करेक्शन, एक रिट्रेसमेंट पेंडिंग है अभी निफ्टी में। हो सकता है कल आपको बैंक निफ्टी साइडवेज देखने को मिल जाए और निफ्टी में एक फॉल का सिनेरियो आपको मिल जाए, कुछ इस तरह का सिनेरियो भी कल का दिन हो सकता है। तो थोड़ा सा सावधान रह के आप ध्यान से ट्रेड कीजिएगा। निफ्टी में इमीडिएट लेवल पर सेलिंग हो सकता है अगर कल ब्रेकडाउन कर रहा है 19,794 यानी कि 800 के लेवल के नीचे सेलिंग साइड में प्लान करेंगे, 19,867 के ऊपर हम बाइंग साइड में प्लान कर सकते हैं। बड़ा गैप डाउन हुआ तो पुल बैक पे सेलिंग प्लान करेंगे, बड़ा गैप अप हुआ तो पुल बैक पे बाइंग प्लान करेंगे, ये हमारा सिनेरियो रहेगा। मिड कैप की अगर हम बात करें, हमने जैसे डिस्कस किया कि कल मिड कैप की एक्सपायरी है, तो मैं फटाफट से यहाँ पे मिड कैप लगा लेता हूँ। यहाँ पे मुझे लग रहा है मिड कैप लगा रहा है, यहाँ लगा हुआ है, यहाँ पे मिड कैप है और देखिए 9,099 रुपीज़ यानी 91,000 के आसपास, 9,100 के आसपास कहीं ना कहीं मार्केट मूव कर रहा है और बहुत स्ट्रिक्टली, बहुत अग्रेसिवली ऊपर जा रहा है मार्केट। और कल भी कोई डाउट नहीं है कि अगर ऊपर निकल जाए तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट एरिया होगा। अगर मार्केट फ्लैट खुल रहा है तो हम बाइंग साइड के लिए प्लान करेंगे 9,148 रुपीज़ के ऊपर, और हम सेलिंग करेंगे 9,124 रुपीज़ के नीचे, यहाँ पे हम कहीं सेलिंग कर सकते हैं। यहाँ पे क्लोजिंग अगर हम देखेंगे ना तो 9,100 के नीचे दिखा रहा है, तो हो सकता है कि मार्केट 9,100 के नीचे खुले। अगर 9,100 के नीचे खुल रहा है मार्केट तो कहीं ना कहीं ये स्विंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट रह जाएगा, जो कि 9,080 का है, 9,080 रुपए के नीचे अगर निकलेगा तो एक सेलिंग का सिनेरियो हमारा बहुत शानदार मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, हो सकता है फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा वॉलेटिलिटी दिखा के सेकंड हाफ एक बढ़िया फॉल, सुंदर सा फॉल दे दे, तो कल एक अच्छा अग्रेसिवली हम पुट साइड में ट्रेड कर सकते हैं, बढ़िया डे हमारे लिए हो सकता है पुट में। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे स्टॉक्स के बारे में, तो सबसे पहले हमारे पास टाटा मोटर्स है। टाटा मोटर्स हम यहाँ पे मार्क करेंगे और टाटा मोटर्स यहाँ पे ओपन हो रहा है। एक्जैक्टली टाटा मोटर्स में यहाँ पे देखेंगे मार्केट थोड़ा सा एम टाइप का पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अग्रेसिव ये एक्टिवेट कब होता है, जब 623 के नीचे निकलेगा तभी हम इसे एक्टिवेटेड मानेंगे। तो 624 के नीचे अगर निकल रहा है हम एक सेलिंग साइड में प्लान करेंगे। बाइंग हम कहाँ कर सकते हैं, अगर ये एम पैटर्न को डिसेबल कर रहा है 628 या फिर 629 के अबव हम एक बाइंग साइड के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। तो मेरा वॉइस सही नहीं आ रहा हो या नॉइज़ हो, यार मैं बाहर हूँ जैसा कि मैंने बताया,
तो अवॉइड कीजिएगा। कोटक महिंद्रा बैंक पे कल नजर रख लीजिएगा, ये थोड़ा सा अच्छा मूव दे सकता है। यहाँ पे रिमूव वॉल ड्राइंग करेंगे। और कोटक महिंद्रा बैंक को मैंने एक घंटे के टाइम फ्रेम पर शुक्रवार को ही देखा था और मैंने जस्ट अपने नोट्स में नोट कर लिए थे कि हाँ ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। क्यों मैं कह रहा हूँ, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे बहुत अग्रेसिवली रेजिस्टेंस को ये हिट कर रहा है मल्टीपल टाइम। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1, 2, 3, 4, 5 बार ये मल्टीपल टाइम्स रेजिस्टेंस को हिट किया है। अगर ये ब्रेकआउट करेगा 1800 का लेवल तो एक बहुत अच्छा खासा बाइंग और एक शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद है। बट अगर ये सेलिंग साइड में आना है तो इसको ये स्विंग का ब्रेकडाउन करना पड़ेगा 1784 के नीचे। हमें सेलिंग साइड में भी प्लान कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।